निखिल प्लीज बुझा दो प्लीज। बारिश आ गई। टाइम क्या हुआ? 40 बारिश न जाने क्या बात होती है इसमें। आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, हर पहली बारिश पर पापा यही दोहराते, कहते यही बारिश देखकर कालिदास ने मेघदूत जैसा काव्य रच दिया। निखिल निखिल प्लीज निखिल प्लीज। ओके निखिल सो जाओ। क्या हुआ? आज कितने साल हो गए? आठ साल। यू गो गॉन। गुड मॉर्निंग मामा। अरे उठ गया मामा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। पापा को गुड मॉर्निंग बोलेगा? हाँ। चल अरे पापा के पास चले। सपना देखा? हाँ। क्या देखा? क्या देखा? परी। अच्छा परी देखी? हाँ। क्या कह रही थी वो परी आपसे? लोग फूल आने शुरू हो गए। किसके हैं?
पता नहीं यार, कैसे याद रहता है इनको, मुझे तो कभी याद नहीं रहता। चलो पापा को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। ये किसका है? बेटे ये है प्रभा आंटी और रमेश अंकल। मैनी 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 ट्रस्ट प्रभा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। समझते 200 साल तक जिएंगे हम। नो थैंक यू। चलो बेटे फूल ला दो। और फूल आ गए? ला। ये कहाँ ले जा रही सब? फूल बाद में लगा देती हूँ बेटे, वो बाद में ला दो प्लीज। टेरेस निखिल एंड संध्या, मे गॉड शाय यू विद विद हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स चॉइसेस ब्लेसिंग्स मां। ओह नो, ओह गॉड। हाय रे। हाय संध्या, हैप्पी एनिवर्सरी। लवली प्लांट। वेलकम वेलकम रेवती, हैप्पी एनिवर्सरी। हाय वासु। वासु जी हमसे भी गले मिलो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू रेवती। कैसा रहा परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा बट वेरी एग्जॉस्टिंग। देखो ना आधी हो गई है। ये तो चाहते हैं कि मैं फूल के गुब्बारा बन जाऊं। द मोर देयर इज ऑफ यू द बेटर। आर दे क्यूट? या दे लो। तुम्हें लगता है 10 साल बाद हम भी ऐसे लगेंगे? 10 साल? 10 साल के बाद तो तुम क्या बिल्कुल ऐसी लगोगी जैसे अभी लगती हो। शी लुक्स ब्यूटीफुल डजंट शी? शी? ओह गॉड। चलो यार चलें, लेट्स गो। लेट्स गो। दैट वाज मीन। रश्मि कहां है? रश्मि इधर आओ बेटे। अरे बाबा रे, इतना बड़ा बच्चा हो गया अब तो उठता ही नहीं आंटी से। आंटी तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाई। ये गोपाल पूछ रहा है कि पिछले साल इसे हमने अपनी सालगिरह पर क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने कहा तुम बॉस हो, तुम ही बता दो, हम तो वही करते हैं जो तुम कहती हो। लेकिन निखिल लास्ट ईयर हमने पार्टी दी ही नहीं, तुम यहाँ नहीं थे। ओह गॉड दैट्स राइट, लास्ट ईयर आई वाजंट हियर, आई रियली वाजंट। अच्छा तुम सचमुच भूल गए थे? अरे जाने दे रोमा, सब याद है। एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट का नाटक करने की आदत है बस। देखा देखा कितनी अच्छी तरह जानती है संध्या निखिल को। किसको? तुझे यार। किसी को इतनी अच्छी तरह जानना कितनी डरावनी बात है। यही तो शादी है भाई। हाँ शादी यही है। तो इंसानों को एक कमरे में डाल के बंद कर दो जिंदगी भर के लिए, उसके बाद करी कह सकते हैं वो दोनों। अलावा इसके के एक दूसरे को नोचें, कुरेदें, एक दूसरे के कोनों में झांकें, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लें, कोई भेद रहस्य न बचे। उफ रमेश, कितना भद्दा बना दिया तुमने शादी को। मैंने क्या बना दिया संध्या? और क्या? कम ऑन रमेश, इट्स देयर वेडिंग एनिवर्सरी। ऑलराइट, आई एम सॉरी बट दैट्स हाउ आई फील। अच्छा रमेश एक बात बता, अगर शादी ऐसी है तो फिर तुमने शादी की ही क्यों? क्योंकि बिना शादी के प्रभा मेरे साथ रहने को राजी नहीं थी, इसलिए। प्रभा कहीं सच कह रहा है? हमारी अरेंज्ड मैरिज थी। ओ दैट वाज अनफेयर रमेश। कम ऑन निखिल, कैसे होस्ट हो तुम, फिल अप माय ग्लास। गीता हाउ आर यू? थैंक यू एट लास्ट। अरे जरा अटक गया था। हाँ तो हमेशा अटक गया भाई। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। व्हाट अ लवली सारी निखिल प्रेजेंट। क्या भाई, दिस इज अ प्रेजेंट फॉर बोथ ऑफ यू। इसकी क्या जरूरत थी? हे यू टू लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। इतने साल साथ निभा लेने के लिए बहुत बहुत मुबारक। मतलब इतने साल कमरे में बंद रहने के लिए मुबारक निखिल। हाँ जी, एक आदमी को लो औरत को लो कमरे में बंद कर दो, सारी जिंदगी में रखो, उसको बोलते हैं शादी। ये रमेश का कहना है। नहीं जी, निखिल का नहीं। नहीं मेरा कहना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन लेट्स गो। राहुल कहाँ गया? राहुल कम इन, आओ जी। निखिल संध्या, राहुल मेरा भतीजा। हेलो। हम निकलने ही वाले थे कि आ गया, बरसों से मिले नहीं थे तो मैंने कहा आ जाओ साथ, कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट हिम। माफ कीजिएगा बगैर बुलाया गया। कैसी बात करते हो यार, आ जाओ।
चल संध्या भाई, जितने ज्यादा उतना मजा, अपना तो ये सिद्धांत। आई एम सॉरी संध्या, मैं उसे लाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम तो अरविंद को जानती हो, वो हमें बुलाने आए और ये उसे साथ ले। इट्स ऑलराइट गीता, चल। हाय प्रभा, हैप्पी नहीं। हाय गीता, हाउ आर यू? अल्ले बेटा, समोर आए थोड़ी सी। एक्सक्यूज राहुल, राहुल क्या लोगे तुम? राहुल दारू वारू नहीं पीता, उसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दो। रियली? आई शो? भाई और बहनों, अटेंशन प्लीज। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं संगीत सुनाना चाहूंगी। हाँ, ये गीता और अरविंद का तोहफा है। हाँ जरूरत भी है, क्योंकि वातावरण बहुत गंभीर हो रहा है। दिनों से ऐसे ही ढका पड़ा है। सच है, पता नहीं कब से इसे छुआ तक नहीं। आप गाना सीखती हैं? थी। किन से? पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी से। अच्छा, आप पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी से सीखती थी? आप जानते हैं उनको? जी हाँ। आप भी सीखते हैं? मैं पंडित हिजुनाथ जी का शागिर्द हूँ। फिर तो हम एक ही घराने के हुए। जी। सर फूल सजाई थी मैं, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। सॉरी। आठ साल हो गए ना? कम नहीं होते। खुश हो? पाँच चढ़ गई है ना? चलो यार, मैं उठती हूँ। चलो उठ जा। आह
बार गिर जाओ तो उठना मुश्किल होता है। है इतनी गहरी बात में कितनी आसानी से गह गई। हाँ चलो उठो। डैडी आई एम फाइन आई एम फाइन। थैंक्स। बैठ कॉफी पिएगी? नो। वन मोर ड्रिंक? नो नो। जानती है सारी शाम मैं क्या सोचती रही? क्या? मैं अपनी शादी की सालगिरह के दिन के बारे में सोचती रही। आई मीन रमेश और मेरी शादी की सालगिरह के दिन के बारे में। बताऊं कैसे मनाया मैंने वो दिन? बता। नो। अब बता भी दो। जाने दे, तेरा दिन क्यों खराब करूं? ए, तू खुश नहीं दिख रही है, क्या बात है? ठीक हूं मैं। झूठ बोलती है, क्या बात है? एक अजीब सपना देखा। क्या देखा बता? बताना। मैंने देखा मैं खो गई हूं, चारों तरफ अंधेरा है, इतना गहरा और भारी जैसे उसके बोझ के नीचे मैं दबी जा रही हूं। हाथ उठाने की कोशिश करती हूं, हाथ नहीं उठते। चिल्लाने की कोशिश करती हूं लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। तुम्हें कभी ऐसा हुआ है? ऐसा लगता है जैसे कि जाग रही हूं, मुझे सब दिखाई दे रहा है मगर हाथ पैर जिस्म अपने कंट्रोल में नहीं। बहुत अजीब सी फीलिंग थी, बहुत घबराहट होने लगी मुझे और बदन बिल्कुल ढीला पड़ गया। अब सडनली मैंने देखा कि मैं एक कमरे में हूं, एक छोटा सा कमरा, छोटा जिसकी छत बहुत नीची थी, नीची और सीधी, राख से पुती हुई दीवारें, कहीं कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक दरवाजा। मैंने उस दरवाजे को खोला तो दूसरा कमरा भी वैसा ही था, कहीं खिड़की नहीं, राख से पुती हुई दीवारें। मैंने एक और दरवाजा खोला और मैं दरवाजा खोलती गई खोलती गई खोलती गई और हर बार वैसा ही कमरा आता गया मेरे सामने। और फिर अचानक जब मैंने दरवाजा खोला तो आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ खुला आसमान। अपने आप को संभाल नहीं सकी और गिर गई, लेकिन मैं गिरती नहीं चली गई, वहीं as if I was suspended। पीछे मुड़कर देखती हूं तो कमरा नहीं, नीचे जमीन नहीं, हाथ के लिए कोई सहारा नहीं। इट वॉज एक अजीब एक हल्कापन भी महसूस हो रहा था, आजादी का एहसास भी हो रहा था और साथ साथ एक गहरा डर, a sinking kind of a feeling। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और आग खुल गई। सारा दिन ये सपना ऐसे लगता रहा जैसे कि मैं हवा में चल रही हूं, आसपास कुछ ठोस नहीं, सब आभास है। ओह, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं, मुझसे फूलदान टूट गया। बर्फ चाहिए? हाँ थोड़ी और है संध्या। प्लीज। संध्या कमिंग। मैं देती हूँ, तुम जाओ। थैंक्स प्रभा। तो तुमने फूलदान तोड़ दिया। किसी राजन को जानती हो? इसी बिल्डिंग में रहता है राजन? हाँ। ये पूछ रहे हैं। यहाँ कोई राजन नहीं रहता, क्या बात है? मेम साहब, ये लड़की सब बिल्डिंग में जाती है और किसी राजन के बारे में पूछती है। अबे हर फ्लैट में जाने की जिद कर रही है, मेरी बात ही नहीं मानती, कितना समझाया? देखो यहाँ कोई राजन नहीं। अरे ये लड़की रुको, कहाँ जा रही है? अरे सुनो,
यहां कोई राजन नहीं है। देखो देखो मेरी बात सुनो। अच्छा जरा यहां आना। राजन को ढूंढ रही हो? दिखने में कैसा लगता है तुम्हारा राजन? मेरा मतलब कितना इतना रमेश, इतना ऊंचा? प्लीज रमेश। संध्या चश्मा पहनता? थोड़ा गंजा बाल उड़े हुए? तुम जरा यहां ना। लेकिन वो राजन नहीं है। बस करो रमेश। वो तो रमेश है। रमेश ये क्या कर रहे हो? रमेश तो तुम्हें नहीं चलेगा ना। स्टॉप इट रमेश। तुम गलत जगह आई हो। यहां कोई राजन नहीं है। यहां सिर्फ रमेश है। रमेश। ए, 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 लड़की रुको सुनो। काफी शांति है यहाँ ना? बंबई मुझे कभी भी शांत नहीं लगा। हमेशा भीड़, हमेशा शोर। अगर हम भी वहां हों नीचे सड़क पर, तो यहां खड़े किसी को भी लगेगा कि हम इतने सारे लोगों के बीच में हैं। दरअसल हम अकेले होते हैं, सबसे कटे हुए। भीड़ में कोई किसी का नहीं होता। शुरू शुरू में तो मुझे खो जाने का डर लगता था। वैसे अब भी लगता है कभी कभी। ज्यादा दिन नहीं हुए बंबई में। सिर्फ 6 महीने। उससे पहले राजगढ़, छोटा सा शहर है। मेरे गुरुजी वहां रहते थे। अभी 6 महीने पहले उनका देहांत हो गया और अब परसों मुझे अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस देना है। अच्छा। दरअसल मेरे गुरुजी तय कर गए थे स्वर्गवास से पहले। नर्वस? हाँ, थोड़ा सा। दरअसल मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मैं अभी तैयार हूं या नहीं। और आप जान भी नहीं पाएंगे जब तक आप सबके सामने जाकर गाते नहीं। सच है, लेकिन पहली बार इतने अजनबी लोगों के सामने गाना। एक जाना पहचाना चेहरा देखेंगे तो फर्क पड़ेगा। मेरा मतलब है मैं आना चाहूंगी। सच? आप औपचारिक तौर से तो नहीं? मैं औपचारिक तौर से नहीं कह रही। फिर जरूर आइए। आऊंगी। मैं निखिल के बारे में तो कुछ पक्का नहीं कह सकती। आप आइए। लगता है बारिश आने वाली है। मैं जरा अंदर चलकर देखती हूँ। जी।
थक गई हो? अजीब है, सारी तैयारी मैंने ही की और अब लग रहा है जैसे जल्दी खत्म हो। सब चले जाए अपने अपने घर। निकाल दूं सबको जाके? कह देता हूँ पागल हो गए। निकल जाओ सब। चलो खाना लगा देती हूँ। लो एक सिप ले लो, इट डू यू गुड। थकावट दूर हो जाएगी। ले लो ना संध्या। नहीं निखिल। ले लो, प्यार से दे रहा हूँ। नो निखिल, चढ़ गई है तुम्हें। संध्या, व्हाट इज दिस हिस्टीरिया? आई एम सॉरी। मत रोइए प्लीज। आप पर रोना अच्छा नहीं लगता। बहुत खूबसूरत लगती हैं जब आप खुश होती हैं। प्लीज मत रोइए। Ah!
उसका नाम राहुल है। और राहुल राहुल राहुल, ये नाम मेरी सांस रुंध रहा था, तड़प रही थी कि इस नाम को किसी के आगे बोलूं। आज पता चला कि संस्कृत नाटक की हीरोइन को सखी की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर चाहती है ये सखी तेरी बात सुने ना, तो सीधे से आके यहां बैठ जा। जानती हो प्रभा, जब कोई मुझे घूर के देखता है ना, तो मुझे हमेशा लगता है कुछ गड़बड़ है। शायद मेरी ब्रा का स्ट्रैप दिख रहा है, या कोई बटन या हुक ठीक से बंद नहीं, या मेरी लिपस्टिक फैल गई है। मगर उस दिन जब राहुल मुझे देखे जा रहा था, तो एक अजीब बिल्कुल उल्टा एहसास हुआ, जैसे सब कुछ सही है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एज इफ आई वाज अ पीस ऑफ परफेक्शन। समझा नहीं सकती, पर ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ, निखिल के साथ भी नहीं। अजीब बात है, तुम कहती हो उस दिन वो तुम्हारे घर पार्टी में था, और मुझे उसकी शक्ल तक याद नहीं। इसमें क्या आश्चर्य है, पूरी तरह धुत थी तुम। एंड ही वाज सो क्वाइट एंड अनऑब्ट्रूसिव। लेकिन जब मैंने उसे गाते हुए देखा, उसके कॉन्सर्ट पर गई थी। ओह, कहा था आऊंगी, तो बिल्कुल अलग दिखाई दिया, अपने गाने में तल्लीन, उसके चेहरे पे एक अलग किस्म का तेज था, एक कशिश, अ काइंड ऑफ पावर। और तब सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, तब से नहीं, यकीनन तब से नहीं। दूसरे दिन वो मुझे मिलने आया ऑफिस पर, बाहर निकली तो देखा खड़ा है, कहने लगा वो मेरा इंतजार कर रहा है। उसे ये भी याद नहीं था कि वो कब से वहां खड़ा है। कहने लगा दिनों तक इंतजार करता, हफ्तों तक, महीनों तक। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मुझे भी महसूस होता है, वो हर वक्त यही कहता है मुझसे। मैं विश्वास करने लगी हूं कि मैं खूबसूरत हूं। तुम्हें याद है प्रभा, शादी से पहले इस बात का मुझे कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स था। घर में कोई खूबसूरत था तो निशा। माँ ने मुझे कभी भूलने नहीं दिया कि मैं कितनी साधारण हूं। माँ को जो दिखा वही बोला उन्होंने। फिर नंबर दो होने का कुछ नुकसान तो होता है। चल घूम जा, घूमना, कम ऑन चल। मुझे याद है तू कैसी लगती थी उन दिनों, तेल चिपचिपे बाल, टाइट चोटी, चेहरे पे मुहासे, उल्टे सीधे कपड़े। वो तो माँ के खिलाफ विद्रोह था, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं निशा जैसी स्मार्ट देखूं, और तुम मुझे जानती हो। चल रहने दे। जानती है तू क्या कर रही है? नहीं जानती, तू बता। पागल हो रही है प्रभा, एक बार तो हो जाने दो मुझे पागल, बह जाने दो मुझे इस उन्माद में। आज तक मैं कितनी समझदार रही हूं, कितनी सीधी और अच्छी हमेशा। संध्या, आग से खेल रही है तू। मैं चलूंगी नहीं, आज भी नहीं आएगी मुझ पर। प्रभा, मैं सुरक्षित हूं, बिल्कुल महफूज। कैसे मालूम नहीं,
पता है जैसे जब बहुत तेज बुखार चढ़ता है तो कैसा लगता है, सब कुछ धुंधलाया हुआ, हर चीज से कटे हुए, बिल्कुल अलग ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। लेकिन जब राहुल से मिलती हूं तो हर चीज हकीकत में बदल जाती है, ठोस, राहुल भी, मैं भी, हमारे जिस्म भी, बाकी सब झूठा और आभास सा लगता है। और फिर जब घर लौटती हूं तो मानो एक लंबे सफर से घर की हर चीज में एक अजनबीपन, एक धुतकार से, जैसे पूरे घर में बर्फ जमी हो। फिर रश्मि स्कूल से लौटती है, निखिल ऑफिस से आता है और उनके साथ मैं भी लौट आती हूं। ये मेरा अपना घर है और मैं अपने ही लोगों में हूं जिन्हें मैं बहुत बहुत प्यार करती हूं। प्यार? हाँ प्यार। निखिल के लिए जो मेरे मन में है वो प्यार है, राहुल उसे छू भी नहीं सकता। संध्या क्यों अपनी जिंदगी पेचीदा बना रही हो? पेचीदा? बल्कि उल्टा, राहुल के साथ सब कुछ कितना खूबसूरत, कितना आसान है। उसके लिए मैं एक ही चीज हूं, उसकी प्रेमिका। कितना आसान है ये निभाना। उसे मुझसे और कोई अपेक्षा नहीं सिवाय इसकी कि उसकी जिंदगी में मैं हूं। बेवकूफ, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि छोड़, जाने दे। क्या हुआ प्रभा? हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। ए क्या बात है? बोलना। शायद सच तो ये है कि मुझे तुझसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या मुझसे? हाँ अपने को देख, निखिल है तेरे पास, तेरी प्यार भरी गृहस्थी, और अब ये नई खुशी। और मुझे देख। कम ऑन प्रभा। याद है उस दिन तुझे कुछ बताने चली थी? कब? तेरी शादी की सालगिरह के दिन। मैं तुझे अपनी शादी की सालगिरह के दिन के बारे में बताने चली थी। बताओ कैसे मनाई मैंने अपनी वो सालगिरह? बता। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रमेश को छोड़ दूंगी। तूने मुझे पहले नहीं बताया? पता नहीं किस तरह इतना साहस जुटा पाई कि उसे छोड़ने की बात सोच सकी। 10 साल संध्या, जानलेवा घुटन से भरे 10 साल। सोचा बस बहुत हो गया। उस दिन मैंने सब कुछ पैक कर लिया, अपनी बेटियों को भी साथ ले लिया, रमेश को दिया जाने वाला भाषण भी तैयार करके रखा था। क्या कहने वाली थी फिलहाल तो याद नहीं, लेकिन उस वक्त मैं तैयार थी। और फिर मैं रमेश के घर लौटने का इंतजार करने लगी। मैं इंतजार करती रही, करती रही, करती रही। आज 10th वेडिंग एनिवर्सरी, तो घर नहीं लौटा। रात के 12 बज गए होंगे, मुझे नींद आ गई। यकीन करो कि मैं सो गई, है ना मजे की बात। उस रात भी मुझे नींद आ गई। लेकिन प्रभा दूसरे दिन तो तुमने उसे कहा होगा? दूसरे दिन सारा बटोरा हुआ साहस हवा में गायब हो गया।
अजीब बात है, पता है कहीं ना कहीं मुझे खुशी हो रही थी कि मैं सो गई थी। रमेश ने अंदाजा लगा लिया, कहता है जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन बेटियां यहीं रहेंगी, वो मेरी हैं। The bastard. जैसे कि कोई जायदाद का टुकड़ा हो हमारी बेटियां। I don't know. क्या करूं संध्या, कभी तो रमेश मुझे इतना प्यार करता है, सच मुझे इतना ख्याल रखता है, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, और बाकी समय वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो आदमी नहीं जानवर हो। And then I just get so confused. मुझे लगने लगता है कि उसका प्यार एक वहम है, मेरा वहम, जो मैंने अपनी बुजदिली को जस्टिफाई करने के लिए याद किया हो। एक बात बताओ संध्या, रमेश को छोड़ के अपनी बेटियां खो दूं? अगर ऐसा है तो तुम रश्मि को खो सकोगी? रश्मि को खो सकूंगी? वो क्यों छूटेगी मुझसे, इसका सवाल ही नहीं उठता। प्रभा, मैं निखिल को छोड़ने वाली नहीं हूं। निखिल और मैं जिंदगी भर का साथ है ये। राहुल के साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा वक्त बिताना पड़े तो समझ में नहीं आएगा कि बोलें क्या एक दूसरे से। ऐसी हालत में इवन सेक्स कैन बी वेरी बोरिंग। तो छोड़ दो उसे, राहुल को। प्रभा, ही सो वल्नरेबल। नए जन्मे बछड़े की आंखें देखी हैं प्रभा, कैसी नेरी होती हैं। लेकिन निखिल को जो चोट पहुंचेगी वो सह पाओगी तुम? उसे चोट क्यों पहुंचेगी, उसे कुछ भी नहीं मालूम। कब तक? एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा, तब वो कभी नहीं जान पाएगा। जानबूझकर अंधी मत बनो संध्या, एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाएगा, तब क्या करोगी? ये सिलसिला कब तक जारी रखोगी? राहुल कहता है वो मुझसे हमेशा हमेशा प्यार करता रहेगा। तुम यकीन करती हो? फिर प्रभा, प्रभा, आई एम लिविंग इन एन एन्चांटेड वर्ल्ड। आई कांट बेयर टू गिव इट अप। आई डोंट वांट टू गिव इट अप। सपने से जागो संध्या। राहुल कहता है मैं उसका वो सपना हूं जो साकार हो गया है। जानती हूं सपने में जिया नहीं जा सकता। आसमान में तनी हुई रस्सी पे चल रही हो तुम। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे, मैं वहां हूं आसमान में, भीड़ भड़क के से बात ऊपर। एक ऐसी उमंग भरी अनुभूति है ये कि मैं ऐसा कर सकती हूं। मैंने संतुलन कायम रखा है प्रभा, आई एम बैलेंसिंग ब्यूटिफुली। वन लिटिल स्लिप और सब का अंत, तुम्हारा, निखिल का, रश्मि का। और राहुल, राहुल, अंग अंग बाजत घन मृदंग गूंजत सब अंग अंग राधा ने
बांसुरी बजाई सावनिया संगा अंबर चल चलत कान राधा कौन सी कहानी सुनाओ चूहे की नहीं नहीं अच्छा मोटू की एक मोटा आदमी था बहुत मोटा इतना मोटा सारा वक्त खाता रहता था उसके 12 बच्चे थे कितने कितने बच्चे थे 12 8 लड़कियां 4 लड़के सब सूखे बिल्कुल सूखे वो उनको खाना ही नहीं देता था सब तो खाना अपने आप खा जाता था और बच्चे चिल्लाते रहते थे हमें भी दे दो लेकिन नहीं तो बच्चों ने एक चाल चली वो आदमी एक दिन घर आया ऐसे 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 और देखा खाना ही नहीं है बहुत गुस्सा हुआ मेरा खाना कौन ले गया चिल्लाया जोर जोर से और बच्चे सब छुप गए भाग गए कोई इधर भाग गया कोई उधर भाग गया सब छुप गए और मोटू जनाम परेशान खाना खाया उनका वो तो सिर्फ बच्चों का मालूम था मैं देखती हूँ। अब मोटू तो बहुत परेशान भूख के मारे बुरी हालत उसकी और बच्चे चुप चुप कर देख रहे हेलो संध्या प्रभा हाँ प्रभा बोल हफ्ते भर से तुझे फोन करने की सोच रही थी कैसी है ठीक हूँ उस दिन के बाद मुलाकात ही नहीं हुई मुझे फिक्र हो रही थी सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है निखिल वही है उससे बात की राहुल से हाँ हाँ बात की और प्रभा प्लीज अभी रहने दो ना इट्स ओके आई वाज जस्ट वरीड अपना ख्याल रखना संध्या थैंक्स प्रभा बाय बाय ले जाता हूँ कौन था प्रभा क्या कहती है कोई खास बात शो संध्या क्या हुआ हैं क्या हो गया अचानक इतना प्यार हैं क्या हो गया जान प्यार आ गया बताओ ना आंटी पहले देख लूं फिर बताती हूँ अब क्या देख रहे हो बताओ ना आपको नींद नहीं आ रही अच्छा सो जाओ बनो चलो बेटे सो जाओ चलो सो जाओ के तू डोंट डिस्टर्ब आंटी कम ऑन
अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। पहले बता देती, किसी और दिन रख लेते। मैंने सोचा जब तक कंफर्म नहीं हो जाता निखिल को नहीं बताऊंगी। निखिल, माय गॉड, बेचारा कब से अकेला बैठा है। चल चल के उसके साथ बैठते हैं। हाँ बहुत निखिल। I'm fine. How's your drink? Oh, it's fine, thanks. I'm sorry, रमेश को अभी तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं। आ जाए, अभी दस बजे तक नहीं आता तो हम लोग खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, वेट करते हैं उसकी, खा लेंगे खाना उसमें। कम से कम फोन ही कर देता। Relax प्रभा, it's all right, आ जाएगा ना। I know, मैं म्यूजिक बदल देती हूँ। कोई नई चीज सुनाती हूँ, अच्छी लगेगी तुम्हें। साई को फोन करती हूँ, कभी कभी वहां रुक जाते हैं। बॉट, तुम भी प्रभा जैसी बात कर रही हो? नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल गिल्टी। फीलिंग गिल्टी? क्यों? तुम आज नहीं आना चाहते थे, लेकिन क्या करूं, प्रभा ने इतना इंसिस्ट किया। गिल्टी नहीं फील करना, तुमने मुझे जिंदगी भर खुश रखने का जिम्मा नहीं लिया। अगर लिया हो तो बहुत बड़ा बोझ है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत स्ट्रांग हूं मैं, सारा बोझ उठा लूंगी। रमेश होगा। संध्या खाना खाते निकल चलेंगे। यस बॉस। हाय। हाय रमेश। हाय निखिल। हाय संध्या। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैं बहुत लेट हो गया। क्या करूं यार, ट्रैफिक जैम में फंस गया था। पता नहीं बंबई के ट्रैफिक को क्या होता जा रहा है आजकल। मैं 10 घंटे से ज्यादा काम कर सकता हूं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकता इन सड़कों पर। और संध्या कैसी हो? आई एम ओके। वकील साहब 2 घंटे 15 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसे रहे ऐसा बताते हैं। ऑफ कोर्स। भाई मेरी बीवी तो यही मानती है कि सब कुछ मैंने ही किया, सड़कें भी मैंने खोदी, एक गाड़ी वाले से कहा कि कार पीछे में फंसा दी, और फिर ट्रैफिक जाम ऑर्गेनाइज भी मैंने ही किया। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट फ्रेशन अप एंड जॉइन यू, गिव मी 2 मिनट्स। बच्चियां सो गई क्या? हाँ। Want some dal? हाँ मैं लेता हूँ, थैंक यू। रमेश, तुम्हारे एक दोस्त से मुलाकात हुई। अच्छा? कौन? अरे नाम भूल रहा हूँ मैं। संध्या, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो उस दिन ऑफिस के बाद मिली थी। थी? तो फिर मेरी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी कोई महिला दोस्त नहीं है। Look who's talking. संध्या, आदमी और औरत दोस्त नहीं बन सकते। बिल्कुल सही कहा। क्या निखिल, तुम ऐसा सोचते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों, मेरी सोच में ऐसी क्या खराबी है? लेकिन क्यों निखिल? क्योंकि आदमी और औरत के बीच हमेशा एक उत्तेजना रहती है। There's always a kind of tension and excitement between a man and a woman, खासकर रिश्ता अच्छा हो तो। लेकिन दोस्ती नामुमकिन है। क्या हुआ, खत्म? बस। Have something? तूने तो कुछ खाया है नहीं? I am full. हाँ खिलाओ इसको, खाती पीती कुछ नहीं।
देख निखिल भी कह रहा है कुछ तो ले, क्या दूं? बस और नहीं। ले ना संध्या, तू तो कह रही थी तुझे बहुत भूख लगी है। उसने कब कहा? तुम्हारे आने से पहले। चल रोटी और। हाँ, लेकिन प्रभा खाने पीने के मामले में जबरदस्ती नहीं करते। खा ही नहीं रही कुछ। हैव अनदर रोटी, आई विल गिव यू सम। प्रभा लीव हर अलोन। संध्या कोई अजनबी तो नहीं है इस घर में, उसे जो चाहिए जितना चाहिए वो खुद भी ले सकती है ना संध्या? प्रभा प्लीज तुम लो, मेरे लिए हो तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूं, या कहना कि सो रहा हूं, बीमार हूं या मर गया हूं, कुछ भी बोल देना प्लीज। क्या हुआ? चलो थोड़ा घूम लेते हैं, घूम लेते हैं थोड़ा। Isn't it beautiful? आओ बैठो ना। चलो थोड़ा चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं ना। कम ऑन टहल लेते हैं थोड़ा। God. तुम परेशान क्यों? संध्या आई एम फ्राइटेंड, घुटन हो रही मुझे। कैसे दो इंसान साथ रह के भी एक दूसरे को इतनी यातना दे सकते, इतने इतने जख्म दे सकते हैं? I don't even want to think about it. भूल जाना चाहता हूँ दोनों को। संध्या तुम्हें याद है, एक पूरी रात हम जागे थे बातें करते हुए, यही कहीं? याद है, उस रात हमने हमारी शादीशुदा जिंदगी का पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया था। एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की थी हमने, और उसमें यह तय किया था कि हमारी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अलग होगी, दूसरे हजारों कपल्स की तरह नहीं। याद है? इट वॉज क्रेजी। और फिर जब मैं घर लौटी तो पता चला माँ और बाबूजी पूरी रात मेरे इंतजार में जागते रहे। दे वर ऑलमोस्ट, आई मीन दे वर श्योर दैट आई लॉस्ट माय वर्जिनिटी दैट नाइट। संध्या आज रात को बैठोगी मेरे साथ पूरी रात बातें करते हुए? अगर कल इतवार होता तो। और कल इतवार नहीं है। चलो Thank you.
खुश नहीं हो? तुम खुश नहीं हो? कम ऑन संध्या, जब मुझे पहले यह पता चला कि मुझे हमें बच्चा होने वाला है तो मेरा पहला एहसास था बहुत बहुत खुशी, एक झूमती हंसती अछूती खुशी। और उसके बाद? उसके बाद मैं सोचने लगी, मेरा काम, छुट्टी कैसे मिलेगी, दो दो बच्चों को संभालना, ऐसे बात से बेमानी बात है। ये बातें बेमानी नहीं है संध्या, बहुत मायने रखती हैं। मायने रखती हैं ऐसी बातें? मुझे तो लगा कि अगर किसी चीज के मायने हैं तो वह हमारा बच्चा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता निखिल? संध्या, I'm confused, संध्या। पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। सिर्फ एक लफ्ज, खुशी का। कुछ भी जिससे पता चले कि तुम खुश हो। मुझे याद है रश्मि के बारे में जानकर तुम्हें कितनी खुशी हुई थी, तुम्हें याद है ना? पता नहीं तुम मुझसे क्या कहने की उम्मीद रखती हो, लेकिन जाहिर है जो तुम चाह रही हो मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो इस बात को अभी रहने देते हैं। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो? What is not, not really, Sandeep. क्या बात है, बोलो ना। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त दूसरा बच्चा होना ठीक है। आई एम सॉरी। निखिल, तुम भगवान में विश्वास रखते हो? नहीं, जो है हम ही हैं। ये तो मतलब बिल्कुल अनाथ है। हमारी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है ना? अगर भगवान पर विश्वास करो तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है। सारा दोष उसी पर मर दो, कहो कसूर उसका है, नहीं उसकी। भगवान हमेशा पुरुष ही क्यों होता है? हा? नहीं, रहने दो उसे पुरुष, करने दो उसे कुछ गंदे काम। इसकी जिंदगी पूरी हो गई, खत्म कर दो इसे। फलाना जिंदा रहने का काबिल नहीं, मिटा दो उसकी हस्ती पैदा होने से पहले ही। कम ऑन संध्या, संध्या प्लीज। संध्या, कम ऑन संध्या। निखिल, मुझे नफरत होती है अपने आप से। जानते हो सच क्या है? सच ये है कि मैं डरती हूं इस बच्चे को जन्म देने से। बच्चा हो तो ओझा पर नहीं चलता, उसे सब कुछ देना पड़ता है। अपने सर्वस्व को टुकड़ों में बांटकर उसे नहीं दे सकते, ये ओझापन होगा। अपना सर्वस्व देना होगा उसे, अपने आप को निचोड़कर आखिरी बूंद तक।
तुम नहीं जान पाओगे इस एहसास को, नहीं जान पाओगे। निखिल, मुझे अपने ओछेपन का एहसास हो रहा है। डरती हूं दोबारा सब कुछ देने के बाद मेरा कुछ बचेगा, मैं, मेरा स्वत, शायद कुछ भी नहीं। I'm totally confused. I know. नहीं, तुम नहीं समझते। लेकिन मुझे लगता है सो जाओ, चलो अभी तुम बहुत अपसेट हो, कल बात करेंगे, ओके? सो जाओ। कल बात करेंगे क्या? हम बच्चे को होने देंगे ना? अगर तुम चाहती हो तो। अब सो जाओ। अगर मैं चाहती हूं तो, सिर्फ मैं चाहती हूं तो। निखिल, ये सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर नहीं डाल सकते। नहीं, ये सही नहीं है संध्या, ऐसे मत सो। नो नो निखिल, नो निखिल, इट्स नॉट फेयर। लो, क्यों सीधा साधा स्नेह काफी नहीं होता? हर मसले को हम पेचीदा क्यों बना देते हैं? क्योंकि ये दुनिया पेचीदा है संध्या, इसलिए। मैं अपना काम छोड़ दूंगी अगर रफीक ने छुट्टी नहीं दी तो। मुझे दोबारा नौकरी कहीं भी मिल सकती है? हाँ, मिल क्यों नहीं सकती, बिल्कुल। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतनी आसानी के साथ तुम कह सकते हो बिल्कुल। तुम्हारी नौकरी का सवाल थोड़े है, मेरी है संध्या। अब तुम निखिल, लेकिन मैं भूल जाती हूं कि औरत के काम की क्या अहमियत है, कितनी मामूली चीज है ये तो। संध्या, अब तुम बहुत अनरीजनेबल हो रही हो। नो निखिल, आई एम नॉट बीइंग अनरीजनेबल। ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। निखिल, निखिल, प्लीज हेल्प मी। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मुझे एहसास दिलाओ, मुझे एहसास दिलाओ कि हमारा बच्चा सबसे ज्यादा अहम है और इसके अलावा किसी चीज की और कोई अहमियत नहीं। ये सच नहीं है संध्या, दूसरी चीजों की भी अहमियत है और ये तुम भी जानती हो।
क्या हुआ संध्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हो तो रो क्यों रही हो? निखिल मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक हो ना? अकेला छोड़ दो प्लीज। ओके। निखिल, I'm sorry. It's okay. निखिल, It's okay. It's all right. बेटा देखो ये क्या है? अरे ये तो मच्छी है। डर गया? हमको डर लगता है मामा। अरे बाप रे, डर गया? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है ना। निखिल पापा, पापा, पापा। आजा बेटा, आजा। थके हुए लग रहे हो? नहाओगे नहीं? हाँ बस अभी नहाता हूँ। मैं गीजर चालू कर देती हूँ। संध्या? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए होता तभी बुलाता हूँ क्या? ज्यादातर तो यही होता है। यहाँ? हाँ
दिन का सबसे अच्छा वक्त यही है। कितनी शांति है यहाँ, सुन सकते हो? मुझे लहरों की आवाज सुनाई दे रही है या तुम्हारे दिल की धड़कन है? संध्या प्लीज सुनो तो। प्लीज प्लीज सॉरी। क्या बात है संध्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं संध्या। आई एम लीविंग यू। ये बेईमानी है, मुझे पता है। संध्या एक लड़की है, जिसे मैं संध्या आई एम वेरी मच इन लव विद हर। संध्या आई रियली लव विद हर। यही उसका नाम है? हाँ। वृंदा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इट्स नॉट पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जा रहा हूं संध्या, मैं जा रहा हूं। निखिल, निखिल, मैंने तुमसे कहा नहीं इस बीच, बल्कि कई दिनों से मैंने तुमसे कहा नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। पता नहीं कहने का सही मौका ही नहीं लगा, ये ख्याल ही नहीं आया कि ये कहना जरूरी है। मुझे अपनी I'm bad at expressing my feelings. पर तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जानते हो ना निखिल? जानता हूँ। अच्छा है जानते हो, बस इस बात में गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आगे बोलो। मुलाकात कहाँ हुई? मेरे साथ काम करती है, लेबोरेटरी में रिसर्च असिस्टेंट। अच्छा तो वो, मैं कभी निखिल तुम्हें याद है जिस दिन हमने शादी करना तय किया था? संध्या प्लीज, क्यों पुरानी यादें कुरेदती हो? कहते हैं जब जिंदगी खत्म होने को होती है तो उस घड़ी पुराना सब याद आ जाता है। खत्म? निखिल सब खत्म तो नहीं हो रहा है ना? नहीं ना? ऐसे और नहीं निभा सकता मैं संध्या। ये दोहरी जिंदगी मेरी जान खाई जा रही है। मेरे अंदर क्या हो रहा है जानते हो तुम? मैं वृंदा के बगैर नहीं रह सकता। I just can't live without her. दिखती कैसी है? हुँ? दिखती कैसी है वृंदा? हाँ
मालूम है संध्या, जब भी मैं वृंदा को देखता हूं तो मुझे किसी की याद आती है, कभी सोचता नहीं कि किसकी। होता ना ऐसे, किसी की याद आते आते रह जाती है। लेकिन अभी सूझ गया, वृंदा को देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है, उन दिनों की जब हम पहले पहले मिले थे। उसके चेहरे से नहीं, उसके हाव भाव से। कितनी फुर्तीली थी तुम, यू सो सो क्विक एंड फ्लैशिंग लाइक क्विक सिल्वर। उन दिनों की याद कितनी साफ है मेरे जहन में। संध्या, संध्या, ए संध्या, See how you have insulated yourself against feeling? दर्द का एहसास तक नहीं जताती तुम, बस दीवारें ही दीवारें खड़ी कर ली अपने चारों तरफ, एक दरार तक नहीं। कैसे पहुंच सकता हूं मैं तुम्हारे पास? नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बचाव में भी कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई जस्ट फील, मैं अभी क्या फायदा कुछ कहने का संध्या। आज बहुत खूबसूरत दिन था। सुबह सुबह मैं समंदर की तरफ निकल गई थी, देखते ही देखते समंदर जैसे पिघलते चांदी में बदल गया। मैंने लहरों को सुना, पहले सन्नाटे को भी। अकेली थी फिर भी अकेली नहीं थी, तुम थे साथ। मैं खुश थी, अपने आप से कहा मैं खुश हूं। जानते हो जब मैं बच्ची थी तो मेरी दादी हमेशा कहा करती, इतना मत हंसो नहीं तो दिन डूबते ही रोने लगोगी। कहां जाने की सोच रहे हो? अभी तो एक कॉन्फ्रेंस है एक हफ्ते की वहां। और वो वृंदा जाएगी तुम्हारे साथ? हाँ। उसके बाद? पता नहीं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, मालूम नहीं मुझे संध्या, और परवाह भी नहीं है। आई जस्ट फील सो स्टाइफल्ड इन माय जॉब एंड इन माय इन आवर लाइव्स टुगेदर। यू साउंड लाइक अ हीरो फ्रॉम एन अमेरिकन बेस्ट सेलर। प्लीज संध्या, मेरे जज्बात का इस तरह मजाक मत उड़ाओ। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। अगर मैं बताता तो सुन पाती तुम? तो सारी गलती मेरी है। नहीं नहीं कतई नहीं, तुम तो बहुत आदर्श पत्नी हो संध्या। जब भूख लगी तो खाना दिया, प्यास लगी तो पानी दिया, और जब सेक्स की जरूरत हुई तो अपना शरीर। प्लीज। पर मेरी आवाज कभी नहीं सुनी तुमने।
और तुमने तुमने सुनी मेरी आवाज, सुनी तुमने? कहते अपनी फीलिंग्स को दीवारों में घेर रखा है, वरना क्या बचा पाती अपने आप को? तुमने मेरी भूख के बारे में सोचा, मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? संध्या, अब रहने दो ये बातें। ये शादी भी कोई शादी है जहां हम एक दूसरे की पुकार भी नहीं सुन पा रहे? वैसे भी कोई कम भुगत रहे हम कि एक दूसरे को और चोट पहुंचाए? निखिल, प्लीज कह दो कि ये सच नहीं है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे। संध्या, संध्या प्लीज, क्यों कर टेल मी यू नॉट लीविंग मैन कोई। बैठो, सुनो, तुम और रश्मि कोई उथल पुथल नहीं होगी, सब वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा था। तुम यही रहोगी, ये घर तुम्हारा होगा। कोई उथल पुथल नहीं होगी, जैसा चल रहा वैसा ही चलेगा। But what about रश्मि निखिल? संध्या, रश्मि, How is she going to take all this? रश्मि तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ सब ठीक चलेगा उसका। बिलीव मी, मैं जानता हूं, यू गॉट टू बिलीव मी, सब वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा था, सिर्फ मैं नहीं होऊंगा। सिर्फ 9 साल की शादी यूं ही मिट जाएगी? संध्या, सिर्फ तुम नहीं रहोगे? संध्या प्लीज, मैं हमेशा जानती थी तुम मुझसे जितना करते हो उससे कई ज्यादा मैंने तुम्हें प्यार किया। संध्या, भावनाओं को यूं तराजू में तोलना पागलपन है। मैंने भी तुमसे प्यार किया है, मैंने अपने ढंग से तुमसे प्यार किया है, तुमने अपने ढंग से। वृंदा, उसका क्या? यू आर लवर्स। संध्या, रहने दो ना। कब से? संध्या, अब छोड़ो ना इन बातों को। कब से? करीब 1 साल हो गया। संध्या, मुझे जाना चाहिए अब। राइट नाउ, अभी के अभी। संध्या, और अब और नहीं होगा मुझसे। मैंने सोचा था 1 हफ्ता और रहूंगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। संध्या, निखिल प्लीज, निखिल मुझे छोड़ के मत जा। संध्या, समझने की कोशिश करो। नो निखिल, संध्या समझने की कोशिश करो। आई कांट डू विदाउट यू। अब कैसे रह सकते हैं? आई कांट स्टे एनीमोर। संध्या, संध्या वृंदा के साथ बेईमानी होगी ये, अब कैसे रहूं मैं? निखिल, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। इट्स हैपेंड सो सडनली, आई लेट मी कलेक्ट माइसेल्फ, जस्ट गिव मी अ फ्यू डेज। संध्या, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड फॉर क्राइस्ट सेक? अब कैसे रह सकते हम? चीर कर रख देंगे एक दूसरे को, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। संध्या, सब रास्ते बंद हो गए हम, और कोई रास्ता नहीं। I just got to go. लौट कर तो आओगे ना? नहीं संध्या, मैं लौट के नहीं आऊंगा। चिट्ठी तो लिखूंगा। मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा संध्या। I can't, will not write. But Nikhil, it's not fair. तुम मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़कर जा रहे हो, हर चीज लेकर जा रहे हो, उम्मीद कर नहीं छोड़कर जाओगे तो? संध्या, ऐसे मत करो, मैं नहीं सह सकता, यू नो दैट। सहना पड़ेगा तुम्हें। तुम क्यों बचो, मैं तुम्हें क्यों बचने दू? देखो निखिल, देखो, देखो मेरे दर्द को, दर्द कराते हुए देखना पड़ेगा तुम्हें। You like it? See? This is what you've done to me. This is what you've done to me. Nikhil, don't go. Please don't go. Listen. Nikhil, give me a few days. Please. I just gotta go.
संध्या, संध्या रश्मि कैसी है? हेलो संध्या, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। संध्या गुड मॉर्निंग न्यू पब्लिशर्स। सॉरी संध्या अभी तक आई नहीं है। मॉर्निंग फ्लोरी। गुड मॉर्निंग संध्या। हेलो एक मिनट, संध्या आ गई है। संध्या तुम्हारे लिए फोन है, राव के कमरे में ले लो प्लीज। थैंक्स। हेलो संध्या, मैं निखिल बोल रहा हूँ। ओह निखिल। संध्या, संध्या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। संध्या हमारा मिलना बहुत जरूरी है। संध्या निखिल प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना। संध्या मेरी निखिल प्लीज प्लीज डोंट कॉल मी अप अगेन। Excuse me? Yes? मैं प्रभा से मिलने आई हूँ। बैठिए मैं उसे बुलाती हूँ। थैंक्स। क्या नाम बताऊँ? संध्या। संध्या? Of course, संध्या। प्रभा आपके बारे में इतनी बातें करती हैं कि I was dying to meet you. मैं शमा, प्रभा की पार्टनर। You're late. प्रभा। Hi. कैसी है? अच्छी हूँ। बैठ। संध्या, this is शमा। We've already met. Oh, great. This is quite something, huh, Prabha? सब शमा की बदौलत। तू यहाँ पहले कभी नहीं आई ना? ओपनिंग पे भी नहीं। तुम जानती हो प्रभा, but I was very happy for you. Excuse me. Sure. शमा is a super person and an excellent designer. इसीलिए जब उसने सुझाया कि पार्टनरशिप में बुटीक शुरू करते हैं तो मैंने कहा चलो करते हैं। रमेश को तो जानती हो, बिल्कुल खिलाफ था। मैंने उसकी मदद ही नहीं ली, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और ये शुरू कर दिया। अच्छा चल रहा है। एंड यू आर लुकिंग गुड टू। कॉफी लेगी आप लोग? संध्या एक्चुअली हम लोग बाहर जा रही थी। थैंक्स शमा। ओके चल घर चलते हैं, इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। अब घड़ी वगैरह मत देख, चल उठ। मोटे हो गए आप। कम ऑन गर्ल्स, चलो अंदर। हाँ डियर, हमें कुछ बात करनी है, चलो प्लीज। अच्छा जाओ, मैं आती हूँ। ओके तो कहो क्या कहना है। निखिल का मैसेज है। आई थॉट एज मच। संध्या तुम उसे फोन पे क्यों नहीं बात करती? उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि तुम उससे बात करने से इनकार करती हो। उसका फोन आता है तो फोन काट देती हूँ, और इसलिए मैं उसका मैसेज तुम्हें दे दूं। प्रभा
उसने कहा था, उसने कहा था कि मुझे खत नहीं लिखेगा, टेलीफोन तक नहीं करेगा, उसने कहा था ये। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरी एक नस ही काटे जा रहा है। It took me a long time, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसके बिना जीना सीख लिया। और फिर उसने टेलीफोन कॉल शुरू कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी क्या हालत होगी। It didn't bother him at all. कहने लगा मैं रश्मि से बात करना चाहता हूं। रोज की छोटी छोटी बातें, रोज उसके टेलीफोन का इंतजार, मैं उस छोटी सी कड़ी से इतनी बुरी तरह जुड़ गई। मैं अपने दिन का प्रोग्राम उसके टेलीफोन के इर्द गिर्द बनाने लग गई। उसके टेलीफोन कॉल्स मेरी कमजोरी बन गया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट नो, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने उसे कह दिया कि मुझे फोन ना करें, लेकिन वो समझता ही नहीं। एनीवे, मैसेज क्या है? फ्राइडे शाम को तुमसे मिलने आ रहा है। ओह, संध्या, हो सकता है वो वापस आना चाहता हो। संध्या, हो सकता है वो वापस आना चाहता हो। प्रभा, तुम बिल्कुल माँ की तरह बोल रही हो। क्यों नहीं संध्या, हो सकता है। प्रभा, संध्या, ऐसा होता है जिंदगी में, लोग चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर प्रभा, माय मैरिज इज ओवर। निखिल मुझे छोड़कर चला गया है, तुम ये बात नहीं समझती? निखिल मुझे छोड़कर चला गया है, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। I'm sorry. It's okay. Sorry. तुम क्या समझती, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए, लेकिन मैं उस उम्मीद को कुचल देना चाहती हूँ, काट देना चाहती हूँ इतने गहरे ताकि वो फिर कभी ना उभरे। आखिर उस उम्मीद ने मुझे दिया ही क्या है? हताशा, दर्द। ऐसा सोचती ही क्यों? हो सकता है वो सचमुच वापस आने की सोच रहा हो। प्रभा, क्यों तुम मुझे झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रही हो? हकीकत क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। हकीकत एक और भी है संध्या, अकेली औरत की हकीकत। तो तुम क्या चाहती हो, मैं निखिल को हथकड़ी लगाकर बांधे रखूं क्योंकि मुझे एक पहरेदार की जरूरत है, एक मर्द पहरेदार? हाँ ठीक है, कम से कम उसे इतनी आसानी से तो मत जाने दे। लेकिन पे संध्या, उसे कीमत चुकाने दे। वो सारे साल जो तू उसके साथ रही है, वो सब जो तूने उसको दिया है, उस घर को दिया है, मेक हिम पे फॉर ऑल दैट। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी। प्रभा, मैंने उसे देखा। किसे? वृंदा को? निखिल के जाने के थोड़े दिन बाद ही मैं टैक्सी के लिए इंतजार कर रही थी, तब मैंने उन दोनों को देखा, पहले निखिल को। एंड यू नो व्हाट माय इंस्टिंक्टिव रिएक्शन वाज? टू रश अप टू हिम। फिर मैंने उसे देखा, निखिल ने उसे अपनी बाहों में घेर रखा था। यू नो हाउ मैन इज विद हिज वुमन इन अ क्राउड। दिखने में कैसी है वो? नहीं मत बता। अगर नहीं नहीं, मैं उसे देख नहीं पाई, देखना चाहती थी। कहते हैं ना, फांसी चढ़ने वाले को एग्जीक्यूशनर का चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन मैं देखना चाहती थी। यू नो व्हाट आई डिड प्रभा? मैं उनका पीछा करने लगी, जासूस की तरह। अब जब सोचती तो लगता है कि अगर उनके सामने भी चली आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दूसरे में इतने खोए हुए थे, दे वर कंप्लीटली लॉस्ट। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए और तब मैंने उसका चेहरा देखा। प्रभा, इट वॉज नॉट एन एग्जीक्यूशनर्स फेस। वो निखिल से प्यार करती है। मैं नफरत करने में माहिर नहीं हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने अंदर नफरत उढ़ेल लूं। यही है जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी शादी तबाह कर दी। कितना कहा आपने आपसे कि मुझे इससे नफरत होनी चाहिए, लेकिन देखिए, प्यार में डूबी हुई एक लड़की, डरी हुई। डरी हुई? जब आप बहुत प्यार करते हो तब आप बहुत डरे हुए होते हो। हाँ,
और निखिल? निखिल थोड़ी देर बाद वो बाहर गई तो निखिल बिल्कुल भावीन दिखा, जैसे वो वहां हुई नहीं, जैसे वृंदा अपने साथ उसका व्यक्तित्व भी ले गई हो। और फिर उसने वृंदा का पर्स उठा लिया और उसे ऐसे छूने लगा जैसे उसे वृंदा के साथ कोई कांटेक्ट चाहिए हो। इट वॉज सच एन इंटीमेट जेस्चर, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें बिस्तर में साथ देख लिया हो। मैं सह नहीं पाई। हेलो, हाँ हाँ, नहीं मैं घर आ गई थी, तबीयत ठीक है, संध्या आई थी उसी के साथ आ गई थी। हाँ सिर्फ संध्या ही है। Oh, I just hadn't seen her in a long time. तुम बात करना चाहते हो उससे? Okay, I'm sorry. संध्या, अगर उसने तलाक की बात की तो मान जाएगी? एक ही संग होते जो हम तुम का रहे बिछुरा क्या हाल है? ठीक हूं। दुबली हो गई हो? हाँ। यू डाइटिंग? काम का बोझ बढ़ गया है। आओ ना। वासु नहीं रहा, जानते हो ना? पढ़ा मैंने, अच्छा आदमी था। तो अब्बास तुम हो? हाँ, जहां तक काम के बोझ का सवाल होता है, रफी किसी और को ला रहा है, तब जाकर काम कहीं हल्का होगा। I love doing children's books. These health and cookery books, they just leave me dead. रश्मि कहाँ है? बाहर गई माँ के यहाँ। डिप्लोमेसी? सजा दे रही हूँ मुझे? नो निखिल। श्योर? ये उसके लिए। बैठो ना। कॉफी पियोगे? हाँ। कोल्ड कॉफी? यू लव इट डोंट यू? या
जी हाँ तौलिया कहाँ है? वहीं है। मिला? हाँ मिल गया, थैंक्स। अच्छा लग रहा है। I'd forgotten this old Bombay feeling. दिल्ली कैसी रही? ओके। और तुम्हारा काम? ओके। थैंक्स। इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ही बताओ क्या सुनना चाहती हो? सच। सच। Really? तो चलो सच का खेल खेलते हैं। दिल्ली से ऊब गया हूं, बॉम्बे वापस आने को तड़प उठता हूं। इंस्टीट्यूट से चिड़ आती है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से भरा हुआ है, और मेरा घर देखने लायक है, डीडीए का फ्लैट है, और हमसे पहले पता नहीं कितने किराएदार आए और गए, और सब अपनी अपनी छाप छोड़ गए हैं, कोई दीवारों पर, कोई फर्श पे, कोई फर्नीचर पे। अरविंदा, वृंदा घर चलाने से बिल्कुल नावाकिफ। अब तो अपना नाश्ता भी खुद बनाता हूं। अच्छा? बाजार जाता हूं, तरकारी खरीदता हूं, भिंडी और आलू और प्याज और बैंगन और तोरी, सबके भाव जानता हूं। अब तो अपने ये बटन भी लाओ। मैं थी जहन्नम में जाओ, मैं क्यों सीऊं? तुम खुद ही सीलो। सीलूंगा मेम साहब, सीलूंगा। आपने कहा था सच सुना दो, तो सच सुना दिया। दुखड़ा नहीं रो रहा। एक्चुअली अपना काम खुद करना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे साथ था तो बिल्कुल तुम पर निर्भर था, याद है ना? और तुम समझती थी कि मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें ही मजा आता था। नहीं, नकारो मत, नकारो मत। आदमी जितना ही असहाय हो उतना ही औरत अपने आप को ताकतवर समझती है। मैं नहीं, मुझे कभी भी नहीं चाहिए था ऐसा पावर। अगर तुम्हारे लिए कुछ किया है तो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा फर्ज था। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, नॉट अ सिंगल थिंग, रत्ती भर भी नहीं। अपनी ये तानेबाजी रहने दो, अब मैं तुम्हारी बांदी नहीं हूं, कुछ भी सुनने झेलने के लिए मजबूर नहीं हूं। ओ गॉड, क्या हुआ? वृंदा भी यही कहती, सिर्फ वो कहती है अभी तक कुछ झेलने को मजबूर नहीं हूं। संध्या, मुझ में ये ऐसा क्या है कि वो बदल गई है? कैसे? वृंदा बदल गई है। किसी एक चीज पे उंगली नहीं रख सकता मैं, बाकियों के साथ तो बिल्कुल वैसी है, बहुत दोस्त है उसके, सब पड़ोसियों को पहचानती है। I'm just the same, मैं किसी को जानता ही नहीं। एंड शी इज जस्ट, तुम डिवोर्स मांगने आए हो? तुम मुझसे बहुत नफरत कर रही होगी, वृंदा से भी। उस दिन प्रभा को बता रही थी, मैं नफरत करने में माहिर नहीं हूं। नहीं, वृंदा से भी नफरत नहीं करती मैं,
मेरे अंदर जो भरा पड़ा है, मरोड़ रहा है अंदर से, जो एक दर्द है, गहरा दर्द, किसी को हमेशा हमेशा खो देने का एहसास। जैसे अपने बच्चे को खो दिया हो। मैंने क्या गलत किया निखिल? हाँ, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर अगर इस एक सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा तो मैं अपनी स्थिति से समझौता कर लूंगी। फिलहाल तो दिन रात एडजस्ट की। क्या हुआ? संध्या कैसा है? ठीक है। Let's see. That's all right. It's okay. बचपन में इन चीजों का बड़ा शौक था मुझे। Please fascinate me. जैसे औरतों का सारा राज इन्हीं में छिपाओ। I don't know why. घर में औरतें नहीं थी शायद, इसलिए एक माँ थी लेकिन वो तो बिल्कुल सन्यासिनी जैसी। पाउडर का भी इस्तेमाल किया हो तो पता नहीं। तुम जब ये चीजें इस्तेमाल करती थी तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, जैसे जैसे चेहरे पर एक नकाब सा। मेरे मेकअप करने से? यू नो तुम मुझे सबसे ज्यादा भाती थी जब मेकअप के बगैर होती थी। चाहे तुम्हारा तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी ग्रीसी हो और बाल कैसे भी बिखरे हो और कपड़े उल्टे सीधे पहने हो, और जब तुम नहा के निकलती थी बिल्कुल ताजी, लुकिंग फ्रेश विद योर प्योर प्रिस्टीन सेल्फ, जस्ट कमिंग आउट ऑफ द बाथरूम looking like a goddess. You look so good. So good that you just turn me on. Nikhil, you're embarrassing me. तुमने पहले कभी नहीं बताया ये सब, क्यों? अगर बताता तो सुन पाती? बाहर की बेकार आवाजों से कितनी भरी हुई थी हमारी साथ की जिंदगी। वृंदा, तुम सुन पाते हो एक दूसरे को? पता नहीं। फिर भी उससे शादी करोगे? तुम्हारे लिए भी अच्छा है संध्या, तुम भी आजाद हो जाओगी, दूसरी शादी कर पाओगी। दूसरी शादी तो करोगी ना? सच ब्यूटीफुल वुमन लाइक यू। ब्यूटीफुल वुमन लाइक मी? ध्यान से देखो निखिल, देख सकते हो अभी तक हमारी शादी के घाव ठीक से भरे नहीं, खून रिश्ता रहता है। और तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो? वृंदा की सोचो, उसकी हालत, उसको क्या हो रहा होगा। इट्स नॉट फेयर ऑन हर, वो इतनी मेरी कमजोर है वो। और मैं नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, कुछ भी सह लूंगी, संभाल लूंगी, है ना निखिल? हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं, क्यों नहीं निप सकती हमारी शादी? लाखों की निपती है, हजारों की, हमारी क्यों नहीं निप सकती? निखिल,
हम दोनों के बीच कितना कुछ था, कितना कुछ है। हम इस सब को यूं ही तबाह हो जाने देंगे? Is she worth that much to you? Come on, निखिल, प्लीज मुझे एक बार बोलने दो, मुझे एक बार बोलने दो निखिल प्लीज। हम अभी साथ हैं, हम साथ हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? रश्मि के बारे में सोचा तुमने? She'll be all right, Sandhya. Nikhil, she doesn't deserve all this. She is so confused. उसकी कुछ समझ में नहीं आता। मैं निखिल, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं नहीं संभाल पाती हूं उसे निखिल, उसके सवाल, उसके जवाब। निखिल प्लीज, इतने साल हमारी जिंदगी, मत डिस्ट्रॉय करो उसे। ठेकेदार, तुम बिहेव कर रहे हो जो बिना वजह सब कुछ तोड़ फोड़ देना चाहता है। कम ऑन, ऐसा मत करो निखिल। ऑलराइट, लिसन टू मी, एक बार, जस्ट वन मोर टाइम। इस बार इस बार बहुत अच्छी निभेगी निखिल, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, जस्ट वन, प्लीज प्लीज। संध्या, संध्या, इट्स नॉट पॉसिबल। नो नो निखिल, आई फॉरगेट इट ऑल। दरारे फट सकती है निखिल, जस्ट वन। आई एम सॉरी संध्या, ट्राई अंडरस्टैंड, सब खत्म हो गया है, इट्स ओवर। निखिल, याद है हमने कितनी बहस की थी इस बात को लेकर कि हमारी शादी किस तरह से हो? तुम रजिस्टर्ड मैरिज चाहते थे और मैं चाहती थी कि पूरी विधि के साथ हो, जिसमें सप्तपति, कन्यादान, हवन सब हो। मैं सोचती थी कि ये रस्में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मायने रखती हैं और इन्हें हम जिंदगी भर याद रखेंगे। आखिर तुम मान गए थे। अजीब है, इस वक्त वो सब रस्में मुझे याद नहीं आ रही, सिर्फ वो क्षण याद आ रहा है जब हमारे पूर्वजों के नाम उच्चारित किए जा रहे थे और किस तरह हमारे परिवार जुड़ रहे थे। लगा था जैसे दो बड़ी नदियों का संगम हो रहा हो। उस वक्त मैं सोच रही थी ये एक शुरुआत है, और मैंने तुम्हारी तरफ देखा था चुपचाप अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ बांटने के लिए, लेकिन तुम कहीं और थे, अपनी ही किसी दुनिया में खोए हुए। पता नहीं ये सब क्यों याद आ रहा है आज। निखिल, अपनी वृंदा से कह दो मैं उसके रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मेरे वकील का कहना है कि आपसी रजामंदी से तलाक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्योंकि जायदाद वगैरह को लेकर कोई अनबन नहीं है, मुझे सिर्फ उन चीजों की लिस्ट बनानी होगी जो मेरी है, जो मेरी तुम्हारी साथ की है और जिनका बंटवारा होना है। निखिल, इस घर में क्या मेरा है और क्या तुम्हारा? हमारी साथ की खुशियां कैसे बटेंगी? हमारी यादें, हमारे सपने, हमारी बच्ची, इनका बंटवारा कैसे होगा? और पिछले एक साल में जो कड़वाहट और दर्द उपजे हैं वो किसके हिस्से जाएंगे? इट्स होपलेस, अटली होपलेस। मेरा वकील तुम्हें लिखेगा और तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा जितनी जल्दी तुम चाहो।
हेलो निखिल, कहां से बोल रहे हो? नीचे ऑफिस में? यहां क्या कर रहे हो अभी? अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। हेलो हेलो, आओ। मैडम आपसे कोई मिलने आया है। हाय निखिल। विजय तुम जाओ, मैं लॉक कर लूंगी। जी अच्छा। हाँ जैसा देख रहे हो, ये मैन्युस्क्रिप्ट अर्जेंटली एडिट करके टाइप सेटिंग के लिए भेजना है। एनीवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मिलने आया हूँ, इज दैट नॉट ऑब्वियस? लेकिन हम तो कल मिलने वाले थे ना? मालूम है। फिर देखो संध्या, तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए कोई रिटन परमिशन चाहिए मुझे। एक तो तुम्हें मिलने आओ और तुम हो के मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, ये क्या है? सच बताओ निखिल, मैं आज तुमसे मिलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं। I'm just not mentally prepared. मैंने सोचा था हम कल कोर्ट में मिलेंगे, क्या पहनूंगी, कैसे बिहेव करूंगी, क्या कहूंगी, सब तय कर लिया था। और फिर माँ कह रही थी। उनको कैसा लगा? मामा को? हाँ। It's funny. शुरू शुरू में बिल्कुल खिलाफ थी, दिवस का नाम सुनते ही बहुत अपसेट हो जाती थी, और फिर एकदम बदल गई। कहने लगी जल्दी ये सब खत्म करो ताकि तुम्हारी दोबारा शादी कर सके। And you know निखिल, मुझसे छुपकर she has been preparing a list of eligible bachelors. और मुझे मालूम है अगर बहुत डेस्परेट हो गई तो चुन लूंगी किसी को। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सामने तो क्यों लग जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो यार, रियली तुम जैसे खूबसूरत, समझदार और कामयाब औरत। निखिल मैंने बहुत मेहनत की है, आई हैव वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड फॉर इट, नथिंग हैज बीन गिवन टू मी ऑन अ सिल्वर प्लैटर एंड यू नो इट। खैर कॉफी पियोगे? यहाँ इंतजाम है। ठीक है। गुड। संध्या मैं सोच रहा था आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। नहीं आज नहीं। क्यों? रश्मि। हाँ रश्मि, ऑफ कोर्स। एक आदर्श माँ अपनी बेटी का दिल कैसे तोड़ सकती है? हा? मैं जानती तुम क्या कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो ट्राइंग टू हर्ट मी।
सो तैयार हो कल के लिए? आपसे रजामंदी का तलाक आपसे रजामंदी का तलाक कितना आसान लगता है, ऐसा लगता है कोई मुश्किल ही नहीं। दोनों जाएंगे ऐसे ही कोर्ट, खुशी खुशी तलाक लेकर खुशी खुशी वापस आ जाएंगे। मुश्किल सिर्फ एक है कि दोनों को राजी होना चाहिए। क्या मतलब? अगर मैं राजी ना हूं तो? मुझे पता था, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला। हमेशा की तरह है, तुम्हें सब कुछ पता है। नहीं निखिल, मैं तुम्हें जानती हूं। और जब मेरे लॉयर ने कहा कि तुम अपनी चीजों की लिस्ट, संध्या तुम जानती हो मैंने चीजों की कभी परवाह नहीं की। बस मेरी किताबें दे दो, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। मैं क्यों लूं? तुम्हारी दरिया दिली का एहसान मुझे नहीं चाहिए। संध्या भूल जाना इन बातों को कि ये तुम्हारा है ये मेरा है। क्यों ना फिर से शुरू करते हैं वो जो हमारा है, जो हमारा था। क्यों ना एक बार फिर से सब कुछ जोड़ लेते हैं। निखिल, तुम क्या कह रहे हो? संध्या, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे मैं अपने आप को तुमसे काट लूं, जिससे हमारी साथ की जिंदगी खत्म हो जाए। अंत नहीं। संध्या, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे हम एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए अजनबी बन जाएं। I can't do that. निखिल, जिस दिन तुमने मुझे वृंदा के लिए छोड़ा था उस दिन तुमने मुझे अजनबी बना दिया था। और तुम जानते हो व्हाट अबाउट वृंदा? उसका क्या? उसे मालूम है? उसे तो यह भी नहीं पता कि मैं यहां हूं। वो तुमसे डरती है संध्या। वृंदा तुमसे डरती है। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी भी अकेले में तुमसे नहीं मिलूंगा। नहीं बताऊंगा मैं उसे कि मैं यहां आया हूं। That's not fair, निखिल, ये बेईमानी होगी। क्या झूठ बोलना? संध्या, मुझे लगता है हमारी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ईमानदारी ही बहुत एक प्रॉब्लम थी। यू नो, वी वर जस्ट टू ऑनेस्ट विद ईच अदर। हमारे बीच कोई जगह नहीं थी। देयर वाज नो स्पेस बिटवीन अस। वृंदा मेरे बीच एक खाली जगह रहती है, काइंड ऑफ नो मैंस लैंड, जिसको हम झूठ से और घुमावदार बातों से और आधे सच से भर देते हैं अलग अलग हिस्सों में। इट्स मच हेल्दियर फॉर रिलेशनशिप। तो हम भी ऐसे ही रहेंगे अगर वापस साथ हो गए तो? यू मी एंड अ नो मैंस लैंड बिटवीन अस, is that what you're looking for? पता नहीं संध्या, मेरे पास हमारे लिए कोई थियरीज नहीं है। I don't know. निखिल, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक पोएम सुनाई थी? कौन सी? Wasteland. Who is the third who walks always beside you? When I count,
There is always you and I together. But when I look ahead up the white road, there is always another one. Sandhya, there is no other one. There is nobody walking beside me. Vrinda, तुम इसके बारे में कुछ नहीं बताते। वृंदा, वृंदा आजकल ज्योतिष विद्या में डूबी हुई है। सारा दिन जन्मपत्री निकालती रहती है, हमारा भविष्य ढूंढती है ग्रहों के जरिए। और क्या कहते हैं तुम्हारे ग्रह? बताती नहीं, बस डिप्रेस रहती है। छोटी है वृंदा मुझसे, she's too young for me. लगता है मेरे बगैर ज्यादा खुश रहेगी वो। मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई और है। जवान संध्या, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हाँ, मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? निखिल, मैंने कोशिश की थी, बेहद बेहद कोशिश की थी, लेकिन अपने आप को इतना गिरा तो नहीं सकती थी ना। तुमने कहा था कि हम अब हम साथ नहीं रह सकते। यह आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, सोते जागते दिन रात यही सुनाई देता था मुझे। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, God, I'm free. मैं आजाद हूं। I mean, don't misunderstand me. तुमसे आजाद होने का ख्याल नहीं, हमारी शादी से छुटकारा पाने का भी नहीं, बल्कि उस पूरे जंजाल से जो हम दोनों के बीच जैसे जमा हो गया था, नफरत, दर्द, डर, तुम्हें नाराज करने का डर, तुम्हें नाखुश करने का डर, God, I was so fed up of it all. And then I realized कि तुमने सच कहा था। वो सच क्यों है संध्या? हाँ? सच क्यों है? इंसान है हम, जिंदगी को नए रूप दे सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, दोबारा जुड़ सकते हैं अगर चाहे तो। तुम्हारे जाने के बाद मैं हमेशा ये सपना देखती रहती, तुम मेरे पास वापस आओगे तब मैं क्या करूंगी। शकुंतला दुष्यंत के पास वापस चली गई थी। मुझे बहुत दुख होता था इस बात से कि वो झुक गई। निखिल, मैं 30 के ऊपर हूं, मेरी एक बच्ची है, दिस इज द ओनली रियलिटी फॉर मी, बाकी कुछ नहीं। नहीं, हम वापस। संध्या, क्यों नहीं रह सकते? संध्या, क्यों नहीं रह सकते? हाँ? Why can't we? It's not possible. संध्या, Stop it, Nanakil. तुम हमेशा मेरे साथ हो संध्या, हमेशा मेरे और वृंदा के साथ। You're always there. I'm never alone. You're always there. I can feel you, the ghost of you. You said, who is the third? Sandhya, you are the third. Believe me, Sandhya, you are the third. Please. सुनो, मैं तुमसे आजाद नहीं हो सकता संध्या। मैं तुमसे जुड़ा हूं, मैं तुमसे बंधा हूं। तुम्हें छोड़ दूं, वृंदा के साथ चले जाऊं, जिंदगी भर नहीं मिलूं, लेकिन तुमसे बंधा रहूंगा मैं। No. मैं जुड़ा रहूंगा तुमसे संध्या। You know you love me. You know that. You know that, Sandhya. Nikhil, please stop it. Stop it, please. I can't go through all this. Nikhil, मुझे बहुत डर लगता है।
मैं दोबारा उस सबसे नहीं गुजर सकती। I can't go through all that again. I know. निखिल, बहुत सह लिया मैंने। I know. नहीं होगा मुझसे निखिल, it will finish me. I can't go through it again. I know. I know. I thought, मुझे लगा मैं आजाद हूँ। तुम आजाद हो। I want to be free, निखिल, please. You don't do this to me again, please. You're free. I promise you. तुम आजाद हो। Okay. Sandhya, you're free. Huh? What have you done again? Sandhya. और ये उसकी पिछले बर्थडे पार्टी पर। Isn't she looking lovely? Yeah. ये कौन है? दोस्त है, मेरा दोस्त। रश्मि ने अपने बर्थडे पर याद किया मुझे। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाएगी? आज क्लास के साथ पिकनिक पर भी नहीं जा रही थी, कहने लगी मैं पापा से मिलने जाऊंगी। उसे लगा तुम उसे मिले बिना ही चले जाओगे। तब मैंने उसे कहा कि पापा इतनी जल्दी वापस नहीं जाने वाले। इन्हें रख लो, ये तुम्हारे लिए है। थैंक्स। बहुत खुश दिखाई दे रही हो। शादी कर रही हो? एक औरत की खुशी के पीछे सिर्फ मर्द ही हो सकता है ना? सच है? हो सकता है। कौन है? वही जो जिसे रश्मि खिला रही थी फोटोग्राफ में। कौन है? रफीक का कजन है, मुझसे शादी करना चाहता है, बहुत चाहता है मुझे। तो क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि मैं उसे वो सब दे पाऊंगी जो वो मुझसे शादी करके खोएगा। प्यार करती हूँ सर? प्यार करती उसको? पता नहीं। तय नहीं कर पाती? नहीं, वो मुझे पसंद है, बहुत बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं कर पाती। Not in that painful way I loved you. लेकिन अच्छा लगता है। जानते हो ऐसी स्थिति में क्यों अच्छा लगता है? मुझे लगता है कोई खतरा नहीं, मुझे कोई दर्द, कोई दुख, कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं सुरक्षित हूँ। I'm safe.
तुम्हारे साथ आई वॉज डिफेंसलेस. संध्या, मैं तो लगभग भूल गया था तुम कितनी खूबसूरत हो. या बहुत खूबसूरत हो तुम. चलो एक बार अगले जन्म में दोबारा शादी कर लेते हैं. किसी छल रहे हो निखिल. अगले जन्म में ना तुम्हें विश्वास है और ना मुझे. मेरे लिए तो तुम्हारे साथ एक ही जन्म काफी था, लेकिन तुम वो भी नहीं दे सके मुझे. प्रिंता कैसी है? वो अमेरिका में है. वो शादी कर ली है, बताया था ना. हाँ लिखा था तुमने. खुश है? पता नहीं. अजीब बात है ना, इंसान ने कितना कुछ कर लिया, कहां से कहां तक पहुंच गया है, लेकिन आपसी रिश्ता का उसे अब भी अंदाजा नहीं. हमी को देख लो. ऑस्ट्रेलिया कैसा रहा? Oh, it was great. It was the best thing that could have happened to me at that time. You know, बचपन में बहुत बड़े ख्वाब देखता था. बहुत मशहूर होऊंगा, नोबेल प्राइज मिलेगा मुझे. स्टेज पर जाऊंगा, स्पॉटलाइट पूरी मेरे ऊपर होगी और सारा हॉल तालियों से गूंज उठेगा. बचपन में सभी बड़े बड़े ख्वाब देखते. नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत सीरियस था ये सब. बड़ा हुआ फिर भी ये ख्वाब कायम रहा. और फिर एक दिन अचानक ये ख्वाब सूख गया और उसके साथ मैं भी खत्म होने लगा. फिर ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आई और फिर डॉक्टर फ्रेजर के साथ चार साल काम करने के बाद मैं एकदम फिर जी उठा. आई फील गुड, आई फील फ्रेश. दिख रहा है. And no more dreams of the limelight. How's that? Grown up at last. पता मुझे किस चीज ने हिला दिया? मैंने कहीं पढ़ा कि चांद पे सबसे पहले उतरने वाले तीन एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया. पता क्यों? क्यों? क्योंकि चांद पे सबसे पहला कदम उसने नहीं रखा, उसके साथी ने रखा. स्ट्रेंज है. एम्बिशन आदमी को क्या कर देती है? तो फिर इंसान क्या करे? एम्बिशन रखे ही ना. नहीं नहीं, एम्बिशन रखे लेकिन उस पर कंट्रोल रखे, अपना संयम ना खोए. तुमने किसी सधे हुए गाय को सुना है? वो अपने सुर को उठाता है और ऊंचा उठाता है और उठाता है, उठाता जाता है और एक वक्त ऐसा लगता है, डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन फिर एकदम वो अपने सुर को काबू में ले आता है. क्यों? और उसी सुर को सहाय रहता है पूरे काबू के साथ. That's fantastic. Hey, कहाँ खो गई हो? निखिल, तुम्हें हमारी पिछली शादी की सालगिरह याद है? कौन सी? हमारी आखिरी. हाँ याद है. याद है अरविंद और गीता अपने साथ एक गेस्ट लेकर आए थे, अरविंद का भांजा राहुल नाम था उसका. राहुल अब एक शानक क्वायत या, 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 या. गायक था. हाँ या, या, याद है. We had an affair. Huh? Rahul and I, we had an affair. ये क्या? इतने साल के बाद बदला ले रहे हो मुझसे? नहीं, ये सच है. ये अब क्यों बता रही मुझे? पता नहीं, तुमने गायकों की बात की और मुझे अचानक उसका ख्याल आ गया. एंड आई जस्ट हैड टू टेल यू. कब हुआ? हमारी पार्टी के कुछ ही दिनों बाद. जब हम साथ थे. तुम्हें प्यार हो गया था उसके साथ? नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था. वही दीवाना था मेरे लिए. सो
मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस पर, मैं नहीं मानता। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा दे रही हो तुम मुझे। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो निखिल। नहीं संध्या, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। निखिल, अगर मुझे तुम्हें सजा देनी होती तो तब देती, जब तुम मुझे छोड़कर गए थे। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि क्योंकि वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, कोई मायने नहीं। कोई मायने नहीं रखता था संध्या? संध्या, तुम्हारे लिए कोई कोई मायने नहीं रखता था? हा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा संध्या। इतने साल तो मुझे एहसास दिलाती रही कि सिर्फ मैं कसूरवार हूं, सिर्फ मैं। अपराध का भारी बोझ जोता रहा मैं, दरारें पड़ गई मेरे अंदर। बोल रही तो मायने नहीं रखता। निखिल, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे लिए हमारी शादी सबसे ज्यादा अहम थी। निखिल, निखिल मेरा यकीन करो, मेरे लिए हमारी शादी अहम थी। तुम निखिल तुम्हारी तरह नहीं, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कितनी आसानी से तोड़ दी तुमने, लेकिन मेरे लिए हमारी साथ की जिंदगी बहुत महत्व रखती थी, इसलिए मैंने राहुल को छोड़ दिया। महीने दो महीने की बात थी, बट ही डिड नॉट मीन एनीथिंग टू मी, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। निखिल, 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 तुम्हें सुनना पड़ेगा। Come on. निखिल, अच्छा सुनाओ, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें याद है एक बार ऐसे ही हम बीच पर आए थे, काफी साल पहले, हमारी शादी से पहले। उस शाम तुम मेरा नाम जोर जोर से पुकार रहे थे, संध्या संध्या चिल्लाकर चारों तरफ, याद है तुम्हें? तुमने कहा था कि तुम दुनिया को मेरा नाम सुनाना चाहते हो, अपने प्यार का ऐलान करना चाहते हो। और उसके बाद, वृंदा के बाद, तुमने कहा कि सब खत्म हो गया है, इट्स ओवर, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, याद है तुम्हें? तुमने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मेरा साथ तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन सा सच था निखिल, कौन सा था सच? अब क्या फर्क पड़ता है संध्या? बताओ निखिल, सच कौन सा था? चलो, दोनों सच थे, दोनों सच थे। दोनों? चलो मैं मान लेती हूं, लेकिन तुम ये नहीं मान सकते कि हो सकता है राहुल के साथ मेरा अफेयर हुआ हो, लेकिन निखिल मैं तुम्हें प्यार करती थी, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। संध्या, डोंट टॉक अबाउट अफेयर्स लाइक दैट, इट्स हॉरिबल। तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? सबसे बदतर दिनों में भी मेरे लिए हम दोनों एक थे। हमारी शादी टूट चुकी थी, लेकिन मेरे लिए हम एक परिवार थे, रश्मि, तुम और मैं। मेरे अंदर हम तीनों की एक तस्वीर थी, जिसमें पूर्णता थी, जिसे कोई छू नहीं सकता था। तुमने सब तबाह कर दिया। मैंने मैंने तबाह करते हुए तस्वीर निकली? निखिल, तुम इतने अंधे तो नहीं हो सकते हो कि ये कहो, उस तस्वीर को तुमने तबाह कर दिया निखिल, खुद तुमने। संध्या, कम से कम मैं ईमानदार तो था ना? ईमानदार निखिल, ईमानदार मैं भी थी, मैं भी ईमानदार थी। मैंने तुमसे प्यार किया और चाहती थी कि अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं, और इस फीलिंग के लिए
मैं पूरी तरह से ईमानदार थी। संध्या, संध्या, वो बच्चा, उसका क्या? वो किसका था? वो बच्चा किसका? वो बच्चा हमारा था निखिल, मेरा यकीन करो, वो बच्चा हमारा था, तुम्हारा और मेरा, वो हमारा था। निखिल, 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 सुनो निखिल, 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 बस संध्या, बस एक भी लफ्ज और नहीं, बस और कुछ नहीं। संध्या, जब मैं छोटा था तो कुछ दिनों के लिए हम समुंदर के किनारे रहने आते, तब मेरे पापा जिंदा थे। वो रोज सुबह सुबह समुंदर के किनारे सैर करने को जाते, कभी कभी मुझे अपने साथ आने कहते, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती थी। मुझे अभी भी याद है वो ऊंचे दुबले, बहुत संजीदा, लंबे लंबे कदम लेकर चलते थे, कभी मेरे लिए अपने कदम धीमे नहीं करते थे, और पीछे रह जाऊं तो मुड़ के भी नहीं देखते थे, और मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि उनके साथ साथ चलूं। बड़ा दिल करता था कि रास्ते में रुक के रेत में खेलूं, मस्ती करूं, पत्थरों में जमे हुए पानी में छोटे छोटे जंतुओं को देखूं, गड्ढों में से निकलते हुए केंकड़ों को देखूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बस उनके साथ साथ चलने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन संध्या, कभी मैं पीछे देखता था तो दूर तक हमें, मुझे हमारे कदमों के निशान दिखाई देते थे, मेरे और पापा के बिल्कुल साथ साथ, और कितना गर्व होता था मुझे ये देखकर। लेकिन संध्या, कभी कभी हम उसी रास्ते से वापस आते और मैं उन निशानों को ढूंढता, लेकिन उन्हें समुंदर ने बहा दिया होता, कुछ नहीं बचा होता, कुछ नहीं बचा होता। संध्या, हमारे बीच क्या हुआ, कहाँ गलत हुए हम?
लगता है बारिश आने वाली है। कितना खूबसूरत लग रहा है। अंदर चले। Oh.